शर्म मत करना वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी थे और इनकी नीतियों को ठीक से समझ लिया उसको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता है। आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन की तीन ऐसी बातें बताई है, जो इन बातों से शर्म करता है वह कभी भी सफलता नहीं पा सकता है, बल्कि अपनी ही आदतों का शिकार हो जाता है। तो आज की वीडियो में आचार्य चाणक्य के द्वारा दिए गए तीन ऐसी बातें आपको बताएंगे जो कि आपके जीवन में काफी काम आएगी। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते। सबसे पहली बात बताइए आचार्य चाणक्य ने, वो है पति व पत्नी के बीच में संबंध करने में शर्म करना। यह शर्म आपके लिए काफी महंगी पड़ सकती है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो पति पत्नी अपने संबंध बनाने में शर्म करते हैं, वह अपने रिश्ते को कभी भी सच्चा रिश्ता नहीं बना पाते हैं। यूं कहे अपने पति पत्नी के रिश्ते में एक दीवार पैदा करते हैं। और यदि आप भी महिला या पुरुष हो तो अभी से यह निर्णय कर लीजिए कि आगे से कभी भी संबंध बनाने में शर्म नहीं करेंगे। नंबर दूसरी बात आचार्य चाणक्य ने कही है, खाना खाने में शर्म करना। जो व्यक्ति खाना खाने में शर्म करता है उस व्यक्ति को भूखा सोना पड़ता है और भूखा व्यक्ति कभी भी अपने दिमाग को काबू में नहीं रख पाता है। और यदि आप भी खाना खाने में शर्म करते हैं तो आज से अभी से यह निर्णय कर लीजिए आगे से कभी भी खाना खाने में शर्म नहीं करेंगे। तीसरे लक्षण की बात की जाए, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान लेना ही बुद्धिमानी कहलाती है। यदि आप भी किसी इंसान से ज्ञान लेने में शर्म करते हो तो यह आपकी मूर्खता है। समझदार इंसान तो वही होता है जो मूर्ख व्यक्ति से ज्ञान लेने में विश्वास रखता हो। इसके अलावा आप किसी पशु या पक्षी से भी ज्ञान ले सकते हो। और जो व्यक्ति पशु और पक्षी से ज्ञान लेने में कभी शर्म नहीं करता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति की निशानी मानी जाती है। तो ये थे आचार्य चाणक्य के द्वारा दिए गए तीन मूल मंत्र, और इन तीन लक्षण को आप सुनकर भूल मत जाना। यह आप अपने जीवन में जरूर प्रयोग करना, सफलता आपके कदम चूमेगी। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।